या फिर तुमको फंक्शन दिया है मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में एंड उसके पावर में, ठीक है। बहुत सारे, बहुत सपोज के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है और उसको डिफरेंशिएट करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो? अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, देन तीन रूल यूज करना है लॉग के, तीन प्रॉपर्टी, लॉग एम इन टू एन, लॉग एम बाय एन एंड लॉग एम रेस टू एन। इन तीनों का यूज करके पहले फंक्शन सिंप्लीफाई करो एंड देन डिफरेंशिएट करो। ओके, सो लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट कर लिया था हमने, अब क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर टू। ओके, सो फर्स्ट वन इज वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू ई प्लस एक्स रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू ई। पहले तो ईच टर्म एनालाइज करो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स की पावर ई है, करेक्ट, यानी कि फंक्शन रेस टू फंक्शन, सेकेंड एक्स रेस टू एक्स फंक्शन रेस टू फंक्शन, थर्ड इज ई रेस टू एक्स। यहाँ पे तुम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, डी बाय डी वाई ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। थर्ड इज ई रेस टू ई विच इज नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट टर्म, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। ओके, अब हमको ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ हियर ई इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो ये भी तुम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो बाय अप्लाइंग फॉर्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन विच इज नथिंग बट एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं? बिकॉज ई हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू देता है, इसीलिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर एक्स रेस टू कोई फंक्शन होता लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स और वट एवर, तो वहां पे हम लोग को क्या करना पड़ता है? इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं, समझा? तो अभी बच क्या गया? एक्स रेस टू एक्स, करेक्ट। तो सबसे पहले अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एल एच एस मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, आर एच एस में डेरिवेटिव सेपरेट करो ईच टर्म के लिए, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू ई प्लस डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई रेस टू ई। ओके, ये तुमको सेपरेटली कैलकुलेट करना है। सो कंसिडर यू इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स। नाउ ये किस फॉर्म में है? एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स फंक्शन रेस टू फंक्शन, तो दोनों साइड लॉग अप्लाई करो। लॉग ऑफ यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स विच इज नथिंग बट एक्स इन टू लॉग एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, लॉग एम रेस टू एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। ओके, सो लॉग ऑफ यू इज इक्वल टू एक्स इन टू लॉग एक्स। नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग यू विच इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इन टू लॉग एक्स। अब ये किस फॉर्म में है? यू इंटू वी के फॉर्म में है। फॉर्मूला अप्लाई करो डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी के लिए, विच इज इक्वल टू एक्स इन टू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, क्लियर? ओके, सो एल एच एस में क्या मिलेगा? लॉग अप्लाई करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग यू इज वन बाई यू, अगेन अप्लाई चेन रूल डी यू बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन बाय एक्स। चेन रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला बन रहा है, करेक्ट। प्लस लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन। हमको चाहिए डी यू बाई डी एक्स, यू को इधर लेके आओ मल्टीप्लीकेशन में। सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, वन प्लस लॉग एक्स। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ यू
यू इज नथिंग बट हमने कंसिडर किया था एक्स रेस टू एक्स. ओके सो यू इज एक्स रेस टू एक्स एंड इंटू वन प्लस लॉग एक्स. ये मिला तुमको डी यू बाई डी एक्स. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर इन इक्वेशन वन. ओके तो एल एच एस क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं फिर से एक बार लिखती हूँ, आर एच एस में क्या था, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू ई, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एक्स, डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई रेस टू ई. सो दिस इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e इंटू एक्स रेस टू ई माइनस वन, करेक्ट, प्लस ये डेरिवेटिव हमने फाइंड किया फ्रॉम टू एक्स रेस टू एक्स वन प्लस लॉग एक्स. ओके प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू ई इज जीरो, करेक्ट. सो फाइनल आंसर है ई इंटू एक्स रेस टू ई माइनस वन प्लस एक्स रेस टू एक्स वन प्लस लॉग एक्स प्लस ई रेस टू एक्स. समझा? ओके सो यहाँ पे हमने डायरेक्टली लॉग क्यों नहीं अप्लाई किया क्वेश्चन में ही, बिकॉज जब फंक्शन एडिशन में होते हैं तब तुम लॉग नहीं अप्लाई कर सकते. ओके जब मल्टीप्लीकेशन में एंड डिविजन में होते हैं तभी बोथ साइड लॉग अप्लाई करना है. अगर एडिशन में है तो सबसे पहले इस टर्म को कंसिडर करो सेपरेटली एंड देन लॉग अप्लाई करो. ओके एक्स रेस टू एक्स का ग्राफ, इवन आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, बट या आई सर्च फॉर यू, टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके सो कौशल ने क्वेश्चन पूछा है डेरिवेटिव ऑफ एक्स इनटू लॉग कॉस एक्स. Kaushal, it's very easy. Just apply u into v rule. Okay. Y is equal to x into log of cos x. Correct. So u into v rule apply karo. This is equal to x into d by dx of log of cos x plus log of cos x into d by dx of x. अब आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है? ओके सो नेक्स्ट इज, हेलो मैम, इसमें इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं अप्लाई लॉग अप्लाई क्यों नहीं किया यहाँ पे? हाँ तुम अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे लॉग, लेकिन अगर हमारे पास दो ही फंक्शन है सिंपल फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में u इंटू v, तो लॉग अप्लाई करने की जरूरत नहीं. हम लॉग कहाँ अप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, तो उसमें u इंटू v रूल अप्लाई करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उस टाइम हम लोग लॉग अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे भी तुम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये फिर लेंदी हो जाएगा. अब देखो, अगर मैंने लॉग अप्लाई किया, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ cos x, आंसर एंड में तुमको सेम ही मिलेगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स. अब इसको सॉल्व कर लो,
मैम एग्जाम में किया दोनों में से कोई एक तो मार्क्स मिलेगा ना अगर अप्लाई लॉग डायरेक्ट किया तो. यस यस वी आर जस्ट फाइंडिंग द मेथड्स टू सिंपलीफाई आवर क्वेश्चंस करेक्ट. नाउ इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि तुम किस मेथड से करते हो. बस करेक्टली सॉल्व करो, कैलकुलेशन बराबर से करो. बट यहाँ पे लॉग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है. यू इंटू वी के टर्म में सिर्फ दो फंक्शन तुमको डिफरेंशिएट करना है, लॉग cos x और dx by dx rather than this. Okay. Yes, ma'am. Yeah. So next question is y is equal to x raised to x raised to x plus e raised to x raised to x. अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन है हमारे पास. फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस. बोथ आर कॉम्प्लिकेटेड. हम डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है. बट हियर यू कैन नॉट टेक लॉग ऑन बोथ साइड हियर डायरेक्टली बिकॉज फंक्शंस एडिशन के टर्म में है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है. तो क्या करना है, इसको कंसिडर करो यू, इसको कंसिडर करो वी, ठीक है. सो लेट यू इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स, वी इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स रेस टू एक्स. तो y क्या हो जाएगा, u प्लस वी. अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx, इक्वेशन वन. अब तुमको वैल्यू फाइंड करना है du by dx एंड dv by dx. ओके, सो नाउ u इज इक्वल टू x रेस टू x रेस टू x इस फॉर्म में, करेक्ट. लॉग अप्लाई करो, लॉग ऑफ यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स, विच इज इक्वल टू ये वाला टर्म यहाँ पे आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एक्स रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, लॉग यू. ओके, नाउ सी अभी भी अगर हम लोग इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो हम x रेस टू x को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. सो देर आर टू वेज टू सॉल्व. या तो x रेस टू x को कोई और वेरिएबल कंसिडर करो एंड उसका डेरिवेटिव फाइंड करके फिर सब्स्टिट्यूट करना, या फिर इसमें वापस से लॉग अप्लाई करो, ठीक है. सो मैं यहाँ पे वापस लॉग अप्लाई करूंगी. सी you have log of u is equal to x raised to x into log of x, apply log on both side, to ye ho jayega log of log u is equal to log of x raised to x into log of x, which is equal to, ab ye dono multiplication mein hai, m into n ke form mein separate karo, log of x raised to x plus log of log of x. ओके, ये टर्म तुम्हारा हो जाएगा x into log x plus log of log x. And here LHS में log of log u. अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये क्या हो जाएगा, d by dx log of log u, which is equal to d by dx of x dot log x plus d by dx of log x. Okay, which is equal to, अब देखो ये u into v के फॉर्म में है, यहाँ पे u into v का फॉर्मूला अप्लाई करो पहले, तो ये क्या हो जाएगा, x into derivative of log x plus log x into derivative of x with respect to x. Okay. प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन लॉग यू. अगेन अप्लाई चेन रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू, विच इज इक्वल टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वन प्लस वन अपॉन लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स.
okay? Now, this is 1 upon log u into d by dx of log u is 1 upon u. Again, x ke jagah pe u hai. Chain rule wapas apply karo du by dx. X x cancel ho gaya, which is equal to 1 plus log x plus here 1 upon log x into derivative of log x is 1 by x. Now, तुमको वैल्यू किसका चाहिए? डीयू बाय डीएक्स का चाहिए इक्वेशन वन में सब्सटीट्यूट करने के लिए. तो बाकी के सारे टर्म्स को आरएचएस में लेके आओ. डीयू बाय डीएक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा यू इंटू लॉग यू, वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लॉग एक्स. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू वैल्यू सब्सटीट्यूट करो यू की. u is x raised to x raised to x. Log u ho jayega log of x raised to x raised to x. 1 plus log x plus 1 upon x log x. Okay. du by dx. Equation number 2. Samjha? du by dx kaise find kiya? Yes, this is second question, Aman. Okay, so pehli value hume mil gayi du by dx. Now find out dv by dx. V is e raised to x raised to x. Now. Hello, miss. Yes, my screen is blur, I guess. Wait. Yes. Tell me. Any questions? Okay. Hello, miss. So now take Hello, v miss. Is equal. Bolo. Miss, वो x to the power x to the power x जो है उसको x to the power 2x नहीं लिख सकते हैं? नहीं. इसको तुम लिख सकते हो. क्यों, miss? X to the power x and this x, this is equal to ये तुम्हारा हो गया. wait, x to the power x into x to the power x, this you can write it as x to the power x plus x, which is nothing but x to the power 2x. तुम इसको x to the power 2x नहीं लिख सकते, ये इस तरह है 2 raise to 2 raise to 2. हाँ, मैं तो फिर वो 16 में आएगा ना. या मैं तो फिर x to the power 2x क्यों नहीं लिख सकते? मैं वो 2 नीचे जाएगा तो 2 into 2 4 हो जाएगा, 2 to the power 4 भी 16 ही होता. 2 to the power 4 is a 16. If you take 3, wait. Okay, so baki log v ke liye solve karo, tab tak main ye dekhti hun, theek hai? Miss, wo thoda simplify ho jata hai, bas isliye pucha maine. Haan, main batati hun, ek minute. Solve for v, tab tak v is equal to e raised to x to the power x. हेलो मिस. मिस, वो x टू द पावर x स्क्वायर हो जाएगा ना? नो, x स्क्वायर नहीं होगा.
मिस क्यों, लेकिन वो अगर ऊपर का पावर वो मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब इंडेक्स के लॉस से जाएगा, हां स्क्वायर हो जाएगा 27 वेट ओके सी हियर फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रही हूँ 3 to the power 3 ओके अगर मैं इसको लिख रही हूँ अगर तुमने 2 into 3 के फॉर्म में लिया बराबर यानी कि 3 raised to 6 ले रहे हो सो दिस इज इक्वल टू 6 times करेक्ट दैट मीन्स करेक्ट अब एक्चुअल में अगर इसका वैल्यू निकालोगे हाँ मिस रॉन्ग है वो रॉन्ग है समझ गया 27 raised to 3 विच इज इक्वल टू ठीक है समझा अभी हाँ मैं समझ गया हाँ तो वो सिर्फ 2 के लिए ट्रू हो रहा है नॉट फॉर ऑल द केस ओके मिस थैंक यू मिस हाँ अब कोई x स्क्वायर भी बोल रहा था ओके वेट या यू कैन राइट x स्क्वायर Yeah, now your doubt is clear. You cannot write x raised to 2x. Okay. So, solve kiya v ke liye. Ye wala form easy hai. Because log e yahan pe 1 ho jayega. And humne already x raised to x ke liye derivative find kar rakha hai. अश्विनी अश्विनी हेलो मिस हाँ किया बेटा सॉल्व नहीं मैम कर रही हूँ अच्छा स्टेप्स बताओ मुझे हेलो अश्विनी जस्ट स्टेप्स बताते जाओ मुझे क्या करना है हेलो मिस हाँ मिस एक छोटा सा सवाल था हाँ पूछो मिस इसमें सारे इंडाइसेस के रूल्स फेल हो जाते हैं क्या नहीं वेरिएबल्स में क्योंकि वो सेकंड वाला जो आपने बोला था ना e टू द पावर x वाला अपॉन रेज़ टू x तो फिर उसमें भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम आ रहा e टू द पावर x हां उसमें भी कुछ ऐसा ही मिस मुझे प्रॉब्लम आ रहा ओके सी यहां पे अगर तुम लॉग अप्लाई करोगे इसको तुमने किस में कन्वर्ट किया मिस मैंने लॉग नहीं लगाया लॉग नहीं लगाया ओके तो क्या डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया डायरेक्टली भी नहीं किया मिस मैंने पहले e टू द पावर x इनटू x किया e टू द पावर x ओके हाँ ठीक है e टू द पावर x इनटू x ऐसे ओके मैं समझ गया मेरी गलती समझ मैंने उसका एक्चुअली ब्रैकेट में नहीं लिया था हाँ सो आई विल गिव यू अ लिटिल टिप हमेशा मैथ सॉल्व करते टाइम ब्रैकेट्स प्रॉपरली यूज करो बिकॉज जब ब्रैकेट यूज करोगे ना तब तुम्हें समझ आएगा कि कौन सा टर्म कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है मींस अलग हो रहा है एक दूसरे से ठीक है या
सो बैक टू आवर हां समझा मिस हां ठीक है तो लॉग अप्लाई करो दोनों साइड ये है e की पावर x रेज टू x मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा log e इज नथिंग बट 1 सो तुमको यहां पे मिला log ऑफ v इज इक्वल टू x रेज टू x ठीक है अब वापस से क्या करना है इसमें log अप्लाई करो क्योंकि ये x टू द पावर x है हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते x रेज टू n के लिए ठीक है तो वापस log अप्लाई करो log ऑफ log v इज इक्वल टू log x टू द पावर x व्हिच इज इक्वल टू x log x एंड LHS में log ऑफ log v अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा d by dx of log v is equal to d by dx of x log x. Okay. LHS में मिलेगा 1 upon log v. Again apply chain rule d by dx of log v. This is equal to, यहाँ पे apply करो u into v rule, x into d by dx of log x plus log x into dx by dx. ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में ओके सो LHS में क्या आएगा 1 अपॉन log v into डेरिवेटिव ऑफ log v इज 1 अपॉन v into dv by dx व्हिच इज इक्वल टू x by x प्लस log x ओके अभी हमको सिर्फ dv by dx चाहिए तो ये दोनों टर्म इधर लेके आओ dv by dx इज इक्वल टू v into log v 1 प्लस log x वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो वी की वी इज नथिंग बट ई रेज टू एक्स टू द पावर एक्स विच इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स टू द पावर एक्स एंड लॉग ऑफ वी इज एक्स टू द पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स इक्वेशन नंबर 3 अब हमारे पास वैल्यू मिल गई है डी यू बाई डी एक्स इक्वेशन 2 डी वी बाई डी एक्स इक्वेशन 3 Substitute value of equation 2 and 3 in equation 1. Okay. Equation 1 kya tha? dy by dx equal to du by dx plus dv by dx. Value substitute karo, final answer milega. Hello, ma'am. Haan? Ma'am, wo with respect to x se wo thoda fir se batao na. Which one? Yahan pe? Haan, haan. ओके सी LHS में क्या है हमारे पास log into log v करेक्ट एंड RHS में फंक्शन है x into log x ये u into v के फॉर्म में है तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया फॉर्मूला x into d by dx of log x देन टेक log x एंड मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव ऑफ x मैम फिर से log x कैसे आया यहाँ पे हाँ हाँ u into v के फॉर्म में है ना इस फॉर्म में सी सपोज y इज इक्वल टू x into log x तुमको डिफरेंशिएट करने दिया है तो ये क्या हो जाएगा u ये क्या हो जाएगा v फॉर्मूला क्या होता है u into derivative of v plus v into derivative of u करेक्ट एक टर्म हम ऐसे ही रखते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं प्लस अब दूसरे वाले को ऐसे ही रखो पहले वाले को डिफरेंशिएट करो समझो समझो हाँ Thank you, miss. Yes. So, next question is question number 3. ये हो गया क्या? मैं पीडीएफ सेंड करूंगी डोंट वरी थर्ड वन इज वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स रेज टू कॉट एक्स ओके दो फंक्शन है हमारे पास दोनों ही फंक्शन रेज टू फंक्शन के फॉर्म में है तो हम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हमको लॉग अप्लाई करना पड़ेगा बट लॉग यहाँ पे डायरेक्टली वाई पे अप्लाई नहीं किया जा सकता
ओके, यू कैन नॉट अप्लाई लॉग हियर डायरेक्टली बिकॉज दोनों फंक्शन नेगेटिव साइन से सेपरेट हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन से नहीं. ओके, सो कंसिडर करो यू इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एक्स, यहाँ पे तुम कोई भी वेरिएबल ले सकते हो. वी इज इक्वल टू कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स. ओके, तो वाई क्या हो जाएगा, यू माइनस वी. डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिलेगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स माइनस डी वी बाय डी एक्स. दैट मीन्स तुमको दो वैल्यू चाहिए, डी यू बाय डी एक्स एंड डी वी बाय डी एक्स. सो सेपरेटली फाइंड करो दोनों की वैल्यू. u इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एक्स, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स रेस टू एक्स. अब ये तुम्हारा m रेस टू n के फॉर्म में है, पावर आगे लेके आओ, x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स लॉग ऑफ u. नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, कर लोगे. RHS में u into v रूल अप्लाई करना है, where x equal to u and log of log x is v. फॉर्मूला अप्लाई करो, डू इट. कविता, आई विल रिपीट क्वेश्चन फॉर यू देन, अगर ब्लर दिख रहा है तो. तुमको डेरिवेटिव फाइंड करना है u इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू x के लिए. आई रिपीट, u इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू x. डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. तो सबसे पहले लॉग अप्लाई करो बोथ साइड, लॉग x की पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी. RHS में मिलेगा x into log log x and LHS में log u. Now differentiate with respect to x on both side. RHS में u into v formula apply करो. रूपाली, जस्ट टेल मी LHS में क्या मिलेगा डिफरेंशिएट करने के बाद. यस, से समथिंग. आलोक, आलोक, आर यू देयर? सी, आई कैन नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ओके, काजल, काजल, हेलो. हाँ मैम, एक बार जरा क्वेश्चन ऊपर करो ना, क्वेश्चन दिखाओ ना.
यही क्वेश्चन है, तुमको इसको डिफरेंशिएट करना है. हाँ हाँ, और v का log v क्या है वो देखना था. नो, नाउ जस्ट यू टेल मी कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा. v हम बाद में करेंगे, पहले ये बताओ LHS में क्या मिलेगा. d by dx of log u. उसका डेरिवेटिव बताओ log u. हेलो. हाँ मैम, आंसर 1/log x + log x है क्या? यू डोंट टेल मी आंसर. व्हाट आई एम आस्किंग यू इज डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू x. इसका नेक्स्ट स्टेप क्या? हाँ, इसका नेक्स्ट स्टेप तो मुझे डेरिवेटिव बताओ log u का विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा. log u du upon dx. नहीं, 1/u. 1/u then x. Not x. Apply chain rule. du by dx. See, अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे भी x होना चाहिए. अगर x नहीं है तो हम वापस चेन रूल अप्लाई करते हैं du by dx. ओके, दिस इज इक्वल टू x इनटू, नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ log x. 1/log x. हाँ, देन आफ्टर दैट d upon dx into log x. यस, गुड. नेक्स्ट प्लस log into log x into 1. ओके, गुड. सो अभी हमको सिर्फ चाहिए du by dx. तो u को RHS में लेके जाओ. du by dx equal to u, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लीकेशन में. मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ u का, ठीक है. log x raise to x, ये हो जाएगा x by log x. डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x प्लस log ऑफ log x. ये x x कैंसल हो जाएगा. यहां से तुमको मिला du by dx इक्वेशन नंबर 2. नाउ योर v इज cos x रेस टू cot x. अगेन अप्लाई log ऑन बोथ साइड. log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ cos x रेस टू cot x, विच इज इक्वल टू cot x इंटू log ऑफ cos x. Now again differentiate this with respect to x. LHS में मिलेगा d by dx of log of v, and RHS में apply करो multiplication formula. Cot x d by dx of log of cos x plus log of cos x into d by dx of cot x. Prasad. Prasad, unmute yourself. Sanjana. Sanjana. Ujwal. Hello, miss. हाँ उज्जवल, एल एच एस तो हमको मिलेगा 1/v dv/dx, करेक्ट. अब आर एच एस का डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा. तो d by dx of log of cos x क्या मिलेगा. ये मिलेगा 1/cos x into d by dx of cos x. ओके,
और फिर प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स इनटू माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स कॉट एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स यस ओके गुड फिर वो साइन उसका माइनस साइन एक्स हो जाएगा यस सो ये मिलेगा वन अपॉन बी डीवी बाय डीएक्स इक्वल टू कॉट एक्स बाय कॉस एक्स इनटू माइनस साइन एक्स करेक्ट प्लस ऑफ हाँ इन ब्रैकेट माइनस मिस माइनस बाहर ले सकते हैं ना ओके तुमने माइनस बाहर ले लिया ठीक है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ओके गुड ठीक है तो अब मैं क्या करूं आरएचएस में लेके आऊं डीवी बाय डीएक्स इक्वल टू मिस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स होके वो वन हो सकता है क्या हाँ कर सकते हो मिस माइनस वन फिर आएगा ना वहां पे हाँ बराबर तो ये क्या हो जाएगा v इंटू माइनस वन माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू कोस एक्स स्क्वायर एक्स बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो देन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू एंड थ्री इन इक्वेशन वन ओके क्लियर क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स होमवर्क नोट करो तुम एक्सरसाइज के भी होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ ठीक है फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सिमिलर क्वेश्चंस हैं ओके आई विल टेल यू सेवेंथ वन मैं हिंट बताती हूँ आगे का तुम सॉल्व करना ठीक है y इज इक्वल टू टेन रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू टेन प्लस एक्स रेस टू टेन रेस टू एक्स ठीक है अभी ईच टर्म सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा So consider u is equal to 10 raised to x raised to x, v is equal to x raised to 10, and w equal to x raised to 10 raised to x. ठीक है? Now y is equal to u plus v plus w. Differentiate करोगे तो क्या मिलेगा? dy by dx equal to du by dx. प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स दैट मीन्स सेपरेटली तुमको हर एक वैल्यू फाइंड करना है एंड देन इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करना है ठीक है तो अब तीन वैल्यू है तुम्हारे पास फर्स्ट वन इज यू इज इक्वल टू टेन रेस टू एक्स लॉग अप्लाई करोगे दोनों साइड तो क्या मिलेगा लॉग ऑफ यू इक्वल टू लॉग ऑफ टेन रेस टू एक्स विच इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स लॉग ऑफ टेन ओके नाउ हियर लॉग ऑफ टेन तुम्हारा कॉन्स्टेंट वैल्यू है बट एक्स रेस टू एक्स तुमको सॉल्व करना पड़ेगा सेपरेटली अगर सेपरेटली नहीं सॉल्व करना है तो वापस से यहाँ पे लॉग अप्लाई करो ओके वापस लॉग अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा लॉग ऑफ बेटर आई विल राइट इट डाउन हियर यू इज इक्वल टू टेन रेस टू एक्स लॉग ऑफ यू इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स लॉग ऑफ टेन अगेन अप्लाई लॉग लॉग ऑफ लॉग यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ टेन विच इज नथिंग बट log of x raised to x plus log of log 10 log m into n ka formula apply kiya which is equal to x into log x plus log of log 10 and LHS mein log of log u
नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर लोगे इसके आगे का, यहाँ पे यू इन टू वी रूल अप्लाई करना है एंड ये वैल्यू तुम्हारा जीरो हो जाएगा जब डिफरेंशिएट करोगे, बिकॉज ये तुम्हारा कॉन्स्टेंट वैल्यू है. ओके, नोट कर लो. डिफरेंशिएट करके तुमको वैल्यू फाइंड करना है du बाय dx के लिए. हाफ तो मैंने सॉल्व कर दिया है, रेस्ट तुमको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड. नेक्स्ट वैल्यू इज v. v इज इक्वल टू x raised to 10. लॉग अप्लाई करो, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x raised to 10 विच इज इक्वल टू x raised to 10, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इनटू लॉग ऑफ एक्स. ओके, अब यहाँ पे देखो वापस से लॉग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब दोनों साइड तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा यू इंटू वी के फॉर्म में. दिस इज योर एक्स रेस टू 10, डेरिवेटिव आएगा 10 इंटू एक्स रेस टू 9 एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, बट यू इंटू वी रूल अप्लाई करना है यहाँ पे. ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वैल्यू फाइंड करो dv बाय dx. ओके, लास्ट इज w इज इक्वल टू x raised to 10 raised to x. अप्लाई लॉग, लॉग ऑफ w इक्वल टू लॉग ऑफ x raised to 10 raised to x विच इज इक्वल टू 10 raised to x, यहाँ पे आगे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, इनटू लॉग ऑफ x. अब फिर से यहाँ पे लॉग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल u इनटू v के फॉर्म में फंक्शन है, ये तुम्हारा है a raised to x एंड दिस इज log x. डेरिवेटिव ऑफ a raised to x इज a raised to x log a एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x. RHS में u इनटू v रूल अप्लाई करो एंड डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. Find out dw by dx. Sorry. कर लोगे? लिख लिया, हो जाए तो बताना, शॉर्टली नोट कर लो, आगे का तुम सॉल्व कर लेना. एंड देन ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट करके सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन वन में. हेलो मैम. यस मैम, मैं ऊपर वाले को नहीं कर सकता नीचे जो किया है. सॉरी रिपीट मैम, वो du by dx ऊपर नहीं लगा सकते, वो वापस लॉग लेना जरूरी है क्या? ओके, सी अगर तुमने यहीं पे इसको डिफरेंशिएट किया, हियर ये ऐसा है ना, लॉग ऑफ यू इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स लॉग ऑफ 10, करेक्ट? अगर इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या मिलेगा, डी बाय डी एक्स लॉग यू विच इज इक्वल टू लॉग 10, तुम्हारा कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आगे ले लो d by dx of x raised to x, करेक्ट? बट यहाँ पे तुम फॉर्मूला ये वाला नहीं अप्लाई कर सकते, मीन्स इसको सेपरेटली तुमको सॉल्व करना है. ठीक है, तो अगर तुमको यहाँ पे लॉग नहीं अप्लाई करना है तो ऐसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो इसको फिर से एक वेरिएबल कंसिडर करो, u इज इक्वल टू x raised to x, देन फाइंड आउट du by dx एंड देन ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. इट्स योर विश तुमको क्या करना है, बट अगर मैंने इसको वापस से लॉग अप्लाई किया तो ये इजी हो जाएगा. ठीक है, सी देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व वन क्वेश्चन, बट द थिंग इज
कि तुमको करेक्टली डिफरेंशिएट करना है, प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करना है. स्क्रीन ब्लर है क्या मेरी? मिस मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी ब्लर कभी ठीक हो जाता है. अच्छा, वो तुम लोग चैट बॉक्स में क्वेश्चंस करते हो ना, तो मैं जब वहां पे शिफ्ट होती हूँ तो ये थोड़ा ब्लर हो जाता है. ओके सो डन, लास्ट क्वेश्चन आई विल टेल यू. एट वन, वाई इज इक्वल टू tan raised to tan x whole raised to tan x. Value find करना है at x equal to pi by 4. That means क्या find करना है? dy by dx find करना है and then उसके बाद x equal to pi by 4 substitute करना है. Okay? So, सबसे पहले क्या करना है? ये function raised to function के form में है. लॉग अप्लाई करो बोथ साइड, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड. लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन एक्स रेस टू टेन एक्स रेस टू टेन एक्स, विच इज इक्वल टू टेन एक्स रेस टू टेन एक्स इन टू लॉग ऑफ टेन एक्स. ठीक है, देन अब क्या करना है? डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? यहां पे यू इंटू वी रूल अप्लाई करो, टेन एक्स रेज टू टेन एक्स into d by dx of log of tan x plus log of tan x into d by dx of tan x raised to tan x. Now your question will be कि हमने इसको separately हमने वापस यहाँ पे log क्यों नहीं apply किया, या फिर इसको अब हमें separately solve करना पड़ेगा, correct? So, अगर तुमको ये वैल्यू फाइंड आउट करने नहीं बोला होता एट x इक्वल टू पाई बाय 4, तो तुमको इसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ता. नाउ बट यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है dy by dx at x equal to pi by 4. जस्ट यहाँ पे ध्यान दो कि यू नो दैट tan pi by 4 क्या होता है? 1, करेक्ट? और जब तुम यहाँ पे x इक्वल टू पाई बाय 4 वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, लॉग ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 0. 0 इनटू एनीथिंग, ये 0 हो जाएगा. मींस कि अगर ये वैल्यू तुम फाइंड आउट करोगे तो भी ये वैनिश हो जाएगा, बिकॉज ये 0 से मल्टीप्लाई होने वाला. समझा? तो इसीलिए मैं अब यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड नहीं करूंगी, मैं इसको ऐसे ही रखूंगी डी बाई डी एक्स टेन एक्स रेस टू टेन एक्स. इसको सॉल्व करो. सो एलएचएस में क्या मिलेगा? 1 अपॉन वाई डीवाई बाय डीएक्स, दिस इज इक्वल टू टेन एक्स रेस टू टेन एक्स. डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ टेन एक्स इज 1 अपॉन टेन एक्स डी बाय डीएक्स ऑफ टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ टेन एक्स इनटू डी बाय डीएक्स ऑफ tan x raised to tan x. ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको d by dx हटा देना है, ये टर्म ऐसे का ऐसा ही रखना है. हाँ मिस, थोड़ा ब्लर है अभी भी. वेट, इज इट क्लियर? यस मिस. ओके, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डीवाई बाय डीएक्स, दिस इज इक्वल टू टेन एक्स रेस टू टेन एक्स
into 1 upon tan x. And this derivative of tan x is sec square x plus log of tan x into d by dx of tan x raised to tan x. ठीक है, अब ये y इधर लेके जाओ, dy by dx is equal to y multiplication में आ जाएगा, y की value substitute करो, tan x raised to tan x raised to tan x into tan x raised to tan x into sec square x divided by tan x plus log of tan x into d by dx of tan x raised to tan x. Okay. अब value find out करना है at x equal to pi by 4. So put x equal to pi by 4. dy by dx at x equal to pi by 4 is equal to, see, tan pi by 4 is 1. tan pi by 4 is 1. tan pi by 4 is 1. 1 raised to 1 raised to 1. ये हो जाएगा 1. 1 raised to 1 is again 1. Sec pi by 4 is root 2. तो ये हो जाएगा root 2 square divided by 1 plus log of 1 into derivative of tan x raised to tan x at pi by 4. अगर तुमको ये टर्म बार बार नहीं लिखना है तो कंसिडर करो tan x raised to tan x equal to u, ये हो जाएगा du by dx at pi by 4. अगर तुमको ये बार बार नहीं लिखना है तो ठीक है, this is equal to square root 2 square plus log of 1 is 0, 0 into this derivative 0, which is equal to 2. Samjha? Hello? हाँ, any doubts? मैम वो आपने जो बोला ना u और y लेके करने का, u और v लेके, वो स्टार्टिंग से लेके करना पड़ेगा ना फिर? सी, अगर दो फंक्शन है तुम्हारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे वाले क्वेश्चन, अगर वो एडिशन साइन से सेपरेट हो रहे हैं तो उस टाइम के तुमको हर एक फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा सेपरेटली, जैसे मैंने यहाँ पे किया. ठीक है, सेपरेटली हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो एंड देन इसमें सब्स्टिट्यूट करो. अगर टर्म्स तुम्हारे पास ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में दिए हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे लॉग अप्लाई करो. ओके, मैम पर कर सकते हैं ना सेपरेट पहले? ये ऑलरेडी सेपरेट है ना? नहीं, टैन रेस्ट टू टैन एक्स को यू लेके एंड फिर टैन, फिर वो पूरे कर सकते हो इसको वापस. अगर तुमको यहाँ पे वापस से लॉग नहीं अप्लाई करना होगा तो इसको सेपरेटली वापस यू कंसिडर करो एंड डी यू बाई डी एक्स फाइंड करके देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वो भी चलेगा. हाँ, समझो. या बट यहाँ पे मैंने क्यों नहीं फाइंड किया, बिकॉज मुझे एक्स एट पाई डी वाई बाई डी एक्स एट पाई बाय फोर पे वैल्यू फाइंड करना है एंड आई नो दैट टेन पाई बाय फोर इज वन एंड लॉग वन मेरा जीरो हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यू एक्सपांड नहीं किया है. बट अगर तुमको ये बोला नहीं है कि एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर पे फाइंड करना है तो ये वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, ध्यान दो, इसको तुम यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ सकते अगर ये स्पेसिफाई नहीं किया है तो. आई एम जस्ट टेलिंग यू द इजिएस्ट वे टू सॉल्व क्वेश्चंस. इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम किस तरह से सॉल्व करते हो. एनी डाउट्स मैम? हाँ, अगर x इज इक्वल टू पाई बाय फोर अगर नहीं दिया रहेगा तो tan tan x raise to tan x उसके लिए एक और बार log लेना पड़ेगा ना? हाँ, तो उसके लिए तुम क्या करना, यहाँ पे एक और बार log लेना, ये हो जाएगा m plus n, इसको सेपरेट करोगे log m plus log n के फॉर्म में. करेक्ट, मैं करके बताती हूँ.
log of y is equal to tan x raised to tan x into log of tan x. ओके तो अगर हम इसमें u into v रूल अप्लाई करेंगे भी तो भी हमारे पास एक टर्म आने वाला है d by dx of tan x raised to tan x, करेक्ट, जो कि सॉल्व नहीं होने वाला, उसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा. तो बेटर कि तुम यहीं पे वापस एक और बार लॉग ले लो. लॉग ऑफ लॉग y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग ऑफ tan x raised to tan x, मैं डायरेक्टली सेपरेट कर रही हूँ, ठीक है, which is equal to tan x into log of tan x plus log of tan x. अब differentiate करो दोनों साइड. ये हो गया first method. अगर तुमको ऐसे log वापस नहीं apply करना है तो directly इसको क्या consider, इसको differentiate करो with respect to x. तो LHS क्या मिलेगा, d by dx of log of y which is equal to u into v rule apply करो यहाँ पे tan x raised to tan x d by dx of log of tan x plus log of tan x into d by dx of tan x raised to tan x. Now इसको separately solve करो, take u is equal to tan x raised to tan x, अब इसमें log apply करके find out du by dx and ये value यहाँ पे substitute करो. ये है तुम्हारा second method. जो भी मेथड से तुमको करना है कर सकते हो. ओके मैम, थैंक यू. ओके, एनीथिंग एल्स? हेलो मिस. यस मिस, एक क्वेश्चन था, मतलब वो पता नहीं कहाँ चला गया, पर ऐसा था क्या y टू द पावर x इज